सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वयं सेवक सुनीता देवी पति धर्मेंद्र राम द्वारा पैसे लेने एवं जियो टैगिंग में दूसरे किसी घर की तस्वीर दिखाकर पैसे निकासी का मामला प्रकाश में आया है। मामला नौढिया प्रखंड के खैरा दोहर पंचायत के भुइया टोला का है। ऑनलाइन रिपोर्ट में जिन घरों को पूर्णतः घर बनाए दिखाया गया है उसकी सच्चाई हमें लाभुक से जानने को मिली। गांव के सत्येंद्र भुइया पिता कृष्ण भुइया अब तक आस में थे कि उनका घर कुछ दिनों में बन जाएगा, लेकिन वो इस बात से अज्ञात थे कि कागजों पर उनका घर पूर्ण हो चुका है। ऑनलाइन रिपोर्ट में किसी और घर के फोटो का दिखलाकर पैसे की निकासी कर ली गई। लाभुक को आवास 2017 में ही मिला था एवं मार्च 2019 के रिपोर्ट में ही स्वयं सेवक द्वारा गलत घर की तस्वीर दिखला आवास की स्थिति पूर्ण दिखला दी गई। सवालिया निशान यह है कि यह तो महज एक घर की सच्चाई खुली, अब तो ये जांच में पता चलेगा कि यह घोटाला कितना बड़ा है और किस किस की मिलीभगत है। सिटी न्यूज के द्वारा मामले के खुलासे के बाद नौडिया प्रखंड विकास पदाधिकारी अभय कुमार त्वरित जांच में आकर पूरे मामले की जानकारी ली और पूर्ण जांच के पश्चात संबंधित व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई करने की बातें कही। साथ ही शौचालय निर्माण वृद्धा पेंशन की स्थिति का भी जायजा लिया। ग्रामीणों को पंचायत में आने वाली अन्य योजनाओं की भी जानकारी लेते हुए किसी भी अनियमितता के शिकायत पर त्वरित अंचल कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से मिलकर करने को कहा। साथ ही मामले को जानकारी मिलने के बाद छतरपुर अनुमंडल पदाधिकारी ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए एक सप्ताह के अंदर दोषियों पर कार्रवाई करने की बातें कही। सतेंद्र के नाम से आपका वो क्या लगते हैं? हमारा लड़का है, बेटा लड़का है। लड़का ये कब से कोलनी अधूरा है? आया था अथी से न 2018 में आया था कि 17 में? 17 में आया था। 17 में आया था। हाँ। तो कोलनी अधूरा है अभी तक। हाँ, समसेवक कौन है? समसेवक है धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र राम। हाँ। ठीक है, उनसे बात रखे कि क्यों मेरा कोलनी नहीं ढलाया? ढलाया अब वही जान समझेगा ना, अब आएगा लेकर तब ना दशहरा में आ जाएगा। आएगा। हाँ, अभी तो कोलनी आपको पूरा नहीं हुआ? पूरा हो गया है, मगर खाचा उचा सब कटा गया है। हाँ। खाली अथी बैठवा के ढलना है। ढलाया नहीं है? ढलाई खड़ी है। आपको कोलनी कंप्लीट है? हाँ, और छड़ी अथियो भी गहरा है। आपको कोलनी कंप्लीट है? वहाँ नेट से हम जाँच करे तो पता चला कि नहीं। कृष्णा आपको नाम है ना, सत्येंद्र बेटा का नाम है ना? हाँ। आप गार्जियन है ना सत्येंद्र के? तो कॉलोनी पाया गया कि आपको कॉलोनी कंप्लीट है। कागज मैंने जांच करके देखा तो पाया गया कि कॉलोनी कंप्लीट है, कॉलोनी आपका फाइलन हो गया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो सर अब तो कॉलोनी कैसे होगा, फाइलन हो गया है? तो क्या कहा कि फाइनल हो गया? मैं अपना कागज से जांच करने के बाद पाया गया कि आपको कॉलोनी सत्येंद्र भुइया पिता कृष्णा भुइया ना, कॉलोनी आपका फाइलन हो गया है। फाइनल नहीं हुआ है ना? हाँ फाइलन हो गया, मैं कागज पत्र से देखा हूँ, फाइलन नहीं हुआ है। कौन है? नहीं फाइलन है, दीवार में नाम लिखवा दिया गया है, उसको चिपका दिया गया। तो जिसका कॉलोनी आया है उसको अपने आप हम लोग घर जा जा के बनवा रहे हैं। आपको ना किसी को पैसा देना है, और मांगे तो हम नंबर भी उपलब्ध कराए हैं, पंचायत भवन में लिखवा दिए हैं, एकदम सीधे शिकायत करना है। ये हम बहुत धन्यवाद देते हैं, ये लोग जो भी एक्टिविस्ट लोग हैं जो हमको फोन करके बताते हैं। जी सर, आप लोग उस तक भी बात रखिए, हम तक बात पहुँच जाती है। और अगर जब कॉलोनी आपके उसमें लिस्ट में प्रतीक्षा सूची में नाम नहीं है तो आपसे एकदम कभी गलत से भी ठग लेगा पैसा। पैसा आपको कितनों भी पैसा दीजिएगा आपका नहीं होगा। वो तो हर साल ना 17-18 में सूची में नाम आता है, फिर 18-19 में मिलता है जो बच जाता है, उसमें जो बच गया फिर 19-20 में मिलेगा, तो आपको वो ठग करके लेके जाएगा। तो इसका क्या उपाय है? आप जो पंचायत भवन में देखिए, आज भी पंचायत भवन में सब पदाधिकारी बैठा है, ग्राम सभा हो रहा है, तो आप लोग उसमें जाइएगा तभी तो जानकारी मिलेगा। आप लोग नहीं जाइएगा तो कैसे जानकारी मिलेगी?